कुड़ियां बना दे असी कुड़ियां की औद हंडाईयां की औद हंडाईए जून तो पहला ही मर जाइए क्यों आटे दियां चिड़ियां बना दे ती ककड़ी कुछ बोल दी तियां बिन जग सुनना चू चू कर दियां होवन मेरे संग हसन ते रोवन जी जी चू चू कर दियां होवन मेरे संग हसन ते रोवन ऐसी दे असीस अमड़िए जीवन दे राहे पा दे निमाए मैनू आटे दियां चिड़ियां बना दे इक सुना दे निमाए मैनू आटे दियां चिड़ियां बना दे बराबर समझो तियां पुत बराबर समझो रज रज माणो रिश्ते गंगा वांग पवित्र तियां कहंदे फिरन फरिश्ते कहंदे फिरन फरिश्ते हुण तुहाडे दुनिया वालियो नारी ए संसार दी मां रोको भ्रूण हत्या रोको उच्ची रखो इस दी थां अज दी कन्या कल दी नारी अज दी कन्या कल दी नारी नारी वंश चलाउंदी ए घर घर दे विच दुल्हन बन के हर वेड़ा महकाउंदी ए आटे दीआं चिड़ियां ते पोइम पेश कीती आ सचमुच ही बाबा जी ने जिन्ना भी योगदान इस लहर च पाया मैं उसका एक जिहड़ा पहलू है उही छोवांगा गल्ला जिस विच अज जिहड़ा हालात है साडे समाज के अंदर खास करके तरन तारण जिले के अंदर 1000 पिछे असी 700 पिंड के करीब लड़के लैके तुरे फिर रहे हैं ये बहुत वड्डी करीति जी साडे समाज दे विच इस वेले पनप रही है उस उपर बाबा जी ने बहुत देर पहले ही इस दे बारे चिंतन किया सी कि सानू लड़कियां नू कुख दे विच नहीं मारना चाहिए क्योंकि लड़की दे नाल ही सारा समाज चलता है सारा सृष्टि चलती है तो असी इस तो बचना और तुहानू जान के बड़ी हैरानी होएगी तो मैनू इस गल की बड़ी खुशी है कि कल दे पेपर दे विच अजीत दे विच इस परिवारों विचों नामधारी परिवारों दे विचों गुरदासपुर जिले के अंदर 1000 पिछे 940 लड़कियां हैं और कपूरथले दे विच 1000 पिछे 900 लड़की है इन्हां परिवारों ने उन्हां दे सिक्ष्या नू उन्हां दे सारे विचारां नू ग्रहण किया है कि असी लोग नहीं इस बारे सोच सकते साडा प्रशासन इस पासे नहीं सुख सकता अज मनुख कुख ते रुख जे मैं कहां कि तीनों खतरे च ने इस विच कोई अतकथनी नहीं है ना किसी ने मारियां देश दे लई जाना किसी ने मारियां देश दे लई मौजां हो रही पै के मानदे ने किन्नी किन्नी करतूत दा कौन मालक बच्चे बच्चे इस देश दे जानदे ने हंस गंगा इशनान नूं तरसदे ने कां डुंगी ते डुंगी पै लांदे ने सच्ची गल सियाणिया सच आखी मारा शेरां दी किदरत है ना अंगूठा रख देना ते बड़ा ही असह हुंदा है मेरी मां लई अपनियां अखां सावे मेरी सिरजना मिट दे वेखना औरत ते कहन दियां गल्लां ने मैं शुरू तो ही वस्त सी ते वस्तियां वेखनी आईयां हर जुग मेरे पंज पतियां ने मैनू वस्त बना दाते लाया पर नगन वेखण दी हिम्मत नहीं सी उन्हां डरपोका च मैं अधूरी हाँ मैनू पूरियां दहेज दे के कीता जांदा है ते ना देण ते ना देण ते अगन पेट कर दिता जांदा है मुसलम वीरां दा कानून तां दो औरतां दी गवाही नू एक मर्द दे बराबर मनदा है आधुनिक युग दी गल करदे हो आधुनिक युग ने की दिता मैनू एक होर नवां शराब अगे तो मैं कदे कदे जन्म भी लै लैंदी सी तां शायद कदे बच भी जांदी सी पर अज मां दे पेट विच ही कतल हुंदी आ ते आदमी किन्ना बेसमझ होए कमलियो जे धरती नहीं तां भी कित्थे सुट्टोगे आदमी ओह शेख चिल्लीए जिहड़ा उसे टां ते बैठा उसे नूं ही वड्डी जा रिहा है जो उन्हां दी द्वारा दित्ती गई सेध है उसदे बारे जिन्हें भी इतने बुलावे आए हैं उन्होंने अपने अपने ढंग के नाल बहुत ही प्रभावशाली तरीके
अपने विचार प्रगट किए हैं और जो बाबा राम सिंह जी की विचारधारा है उसनों उजागर करने का एक बहुत ही भरपूर यत्न किया। असी कि हालात आजाद हुए सारे ही सिटे जरूर सार्थक सामने आ रहे हैं। फर्क पै रहा वा जी रेशो के भ्रूण हत्या के लोग समझ रहे हैं। पुराने लोग मैं सोचता बड़े सियाने से उन्होंने अफवाह बनाईया कहते सी पहली नार वह नार सुलखनी जिन्हें पहली जाई लक्ष्मी उसका बड़ा उत्तम दर्जा से जिन्हें पहला धीर जन्म दिता हों पर मौजूदा दौर मनुख जो पदार्थवादी हो गया अपने निज तक सीमित हो गया फायदे को उन्होंने हर चीज़ को फायदे वालों वेख लग पाया। साडे जोनी साहब ने दसिया वा भी इस पंथ नाल जिहड़े जुड़े हुए लोग आ उन्होंने घर के लड़किया की रेशो जी हज़ार पिछे 940 है कित 900 आ इस संबंधी जो वा दो पिछले सोमवार से इस सोमवार कल भी लेख लगा डॉक्टर हरशिंदर जीत कौर का अजीत के विशेष प्रतिनिधा हो मैडम पुष्पिंदर जीत कौर सी डी पी ओ बलटोआ जिन्होंने सानू अपने जिन्होंने जनरल दर्जा ही आ गया तरन तरन के एक प्रोग्राम की लड़ी चली आशन किया उन्होंने बहुत आरती जिन्हें नारी ने कविता बोली बड़ी वधिया तरीके से बोली उन्होंने सम्मान किया जा रहा है।